हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब मेरी तरफ सबको एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं खड़ा हूँ जी मशोबरा है जी, समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स भी कहते हैं इसको। तो शिमला से 20 किलोमीटर आगे मशोबरा एक जगह है। मैं खड़ा हूँ जी इस भाई क्रैग नैनो नेचर पार्क के बाहर। क्रैग नैनो नेचर पार्क एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मशोबरा में या शिमला में कह लीजिए। जब भी आप इस साइड आएंगे, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगी, क्रैग नैनो नेचर पार्क। इसके अंदर चलते हैं, 50 रुपये टिकट है पर पर्सन। गूगल पे वगैरह अलाउ नहीं करते हैं। पिछले जू वाला जो व्लॉग दिखाया उसमें भी गूगल पे अलाउड नहीं था, कैश लेके आई अपना जितना हो सके, ओनली कैश। ठीक है जी, 50 रुपीस पर पर्सन टिकट है। अंदर चलेंगे, देखते हैं क्या क्या है, हम तो कभी गए नहीं है तो देखते हैं अंदर क्या क्या है, आपको भी लेके चलते हैं। लेट्स गो, टिकट आ गई है 50 रुपीस पर पर्सन। यहाँ से ये शुरू हो गया है क्रैग नैनो नेचर पार्क मशोबरा हिल स्टेशन पे आइए। पहली बारी विजिट कर रहे हैं व्लॉग के पर्पज़ से, पहले भी आया हूँ इस साइड में लेकिन व्लॉग नहीं किया कभी, देखा भी नहीं है ये। उस टाइम तत्ता पानी गए थे और यहाँ से शुरू करेंगे, देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। थोड़ा व्लॉग रहेगा क्रैग नैनो नेचर पार्क का, जिसने यहाँ पे आना है वो ये व्लॉग चेकआउट कर सकता है, उसको पता चल जाएगा पहले ही कि क्या क्या है देखने को। ठीक है जी, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। श्री वीरभद्र सिंह पुराने जो सीएम थे, उन्होंने इसको इनको इनॉग्रेट किया है 2017 में। ये है इसका ओवर जो ओवरव्यू ऑफ नेचर पार्क, मैप कह लीजिए। दोनों साइड पे डेंस फॉरेस्ट, इधर भी बीच में ट्रेल, यहाँ पे वाटर बॉडी है, रेन शेल्टर, वाटर बॉडी, कार पार्किंग। यहाँ पे कार पार्किंग करके आए हैं इस जगह पे, ये मेन गेट है वैसे, यहाँ से हम एंटर हुए हैं। तो कैफे सो जो भी होगा अंदर दिखाते हैं आपको, सारा एंड तक लेके चलते हैं क्रैग नैनो के। ज़्यादा तो इसमें मेरे को दिख रहा है वाटर स्टोर टैंक यहाँ पे, और कैंपिंग भी अंदर, वो ही बताएंगे क्या रेट है क्या कुछ है। तो ये पड़ता है जी 12 किलोमीटर शिमला से, बता देता हूँ। क्रैग नैनो प्री इंडिपेंडेंस रिट्रीट एट डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर शिमला। क्रैग नैनो इज लोकेटेड ऑन द शिमला नालदेहरा हाईवे 7700 फीट अबव सी लेवल। ठीक है जी, तो एक फोटोग्राफर था उसने ये साइट बनाई थी, क्रैग नैनो टाउन इटली में है, उसके नाम से उसने ये साइट बनाई थी। इटली का फोटोग्राफर था, उसने क्रैग नैनो बनाया था। ठीक है जी, पुराने टाइम में, अंग्रेज़ों के टाइम में, क्रैग नैनो नेचर पार्क। तो देख सकते हैं आप नीचे काफ़ी पथरीला सा रास्ता है, तो हो सके तो हमारी तरह तो नहीं फॉर्मल जूते पहने हुए, थोड़े स्पोर्ट्स शूज़ या ट्रैकिंग वाले जूते पहन के आइए, या वुडलैंड वगैरह जो भी आपको कंफर्ट रहते हैं, बिकॉज इसमें चलने में बहुत दिक्कत आती है और फॉर्मल्स आर नॉट गुड फॉर दिस काइंड ऑफ पास। इधर देख सकते हैं पाइन रिट्रीट 2, ये कुछ है पता नहीं, इसमें पौधे उग रखे हैं। पहले मैं बिल्कुल एंड पे जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे आके देखेंगे क्या क्या है, क्योंकि जो पहली मंजिल है वो तय कर लेते हैं, यहीं थक जाएंगे। ठीक है जी, तो ये रास्ता जा रहा है सीधा ऊपर, दिखाते हैं आपको जंगल के बिल्कुल बीचों बीच क्रैग नैनो नेचर पार्क। तो काफ़ी स्टीप है, छोटे छोटे ट्रेल बने हुए हैं, जैसे ये लिखा है एकेडमिक ट्रेल, उसके बारे में इधर को है, ये है 800 मीटर इधर से अगर आप जाएंगे, तो लोग जा रहे हैं इधर भी काफ़ी। ये देख सकते हैं आप जिसके बारे में, चिल्ड्रन पार्क, ट्यूलिप गार्डन, ट्री हाउस, ये सब है एकेडमिक ट्रेल में। तो इधर चलना है के ऊपर, ऊपर ही चलते हैं, तो लोग तो इधर भी जा रहे हैं, पहले मेन देख के आते हैं फिर चलेंगे। तो थोड़ा नीचे से चल के हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे क्या है बेसिकली वुडन का ब्रिज और लकड़ की बैठने को बनाई है, नेचर पार्क है। वैसे लोग आते हैं यहाँ पे, टाइम स्पेंड करते हैं नेचर में, पीसफुल है। ऊपर सामने एक ट्री हाउस बना हुआ है, उस पर क्लाइम करके दिखाता हूँ आपको वो कैसा है। और ये देखो ऑन माय लेफ्ट इधर ये कुछ बना हुआ है, यहाँ पे बेहद खूबसूरत, पानी भी चल रहा है इसमें लेकिन नीचे वो गंदा थोड़ा सा, साफ नहीं हो रखा, और कुछ बना रखा है आर्ट फॉर्म सा, पता नहीं किसका है मूर्ति। पानी आ कहाँ से रहा है इसमें, नीचे पैरों से, पैरों से कुछ होगा लिंक, पाइप से लगी है उधर, वो डक नीचे लगी है ना, पैरों में लगी हुई, तो डक्स भी बनी हुई यहाँ पे। और ऊपर दिखा, दैट इज़ अ ट्री हाउस, ट्री हाउस पे चलते हैं, तो चलो ट्री हाउस के ऊपर लेके चलते हैं आपको। तो
टूटा भी हुआ बीच में कदा भाई है ना, कील से निकले हुए इसके ध्यान से। तो ट्री हाउस के ऊपर विराजमान हुए हैं, आ जाओ ऊपर आ जाओ। ये है जी पेड़ के बिल्कुल, पेड़ बीच में है, आसपास बना रखा है ऐसे शेड और छोटा सा ट्री हाउस कह लीजिए, नॉट अ ट्री हाउस, ट्री हट, ट्री हट इट इज। तो मजबूत है फिलहाल तो, अगर गिरे ना तो, बीच में पेड़ है। लेट्स अस्यूम कि मजबूत हो। मजबूत है, छोटा सा है, वैसे ही खड़े के फोटो फोटो खिंचवाने को, बिल्कुल क्रैक नैनो नेचर पार्क के बीचों बीच। चले अब नीचे, फोटोग्राफी बाद में करेंगे, ट्री हाउस से अब चलते नीचे। नेक्स्ट क्या है और क्रैक नैनो वो दिखाते हैं आपको। कैंप बॉनफायर एट डेजिग्नेटेड प्लेसेस ओनली, तो यहाँ पे आप कैंप और बॉनफायर भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कौन सी जगह है, पिकनिक स्पॉट क्रैक नैनो नेचर पार्क मशोबरा, 12 किलोमीटर चंडीगढ़, ओह शिमला से चंडीगढ़ से आप लगा लीजिए कितना, गूगल इट। तो आगे दिखाते हैं, अब यहाँ पे झूले वगैरह आ गए हैं, ये तो चलो झूले वगैरह हैं, स्विंग है और वॉशरूम भी बने हुए हैं। ये पेड़ों के नाम भी लिखे हुए हैं साइंटिफिक। ये भालू जो हमने वहाँ पे जू में नहीं दिखा पाया आपको, ब्लैक, और ये आगे वो भी दिखाया हुआ है, हनी भी, हनी हनी क्या बोलते हैं इसको, नेस्ट, हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब नेस्ट। आपको जैसे पता भालू शौकीन होते हैं शायद के, पर ये बहुत एस्टोनिशिंग सी लुक दे रहा है। He is more than disappointed कि वहाँ दिख नहीं सका आपने को। तो ये हनी के बिल्कुल पास ही खड़ा है यहाँ पे। Hey, I'll have a thumbnail with you if possible, ठीक है? भालू के साथ thumbnail लेंगे, cutie pie। तो काफी लंबा ट्रेल है, मतलब छोटा भी है, लंबा भी है, मीडियम सा है, रफ पैची सा है, थोड़ा स्टीप, तो भी ऊपर लेके चलते। टॉप पे क्या है वो दिखाना मेरे को आपको। पहले आ गया गेट, फिर आ गया ट्री हाउस, फिर ये झूले, वॉशरूम्स, ऊपर क्या है वो देखते हैं कि मेन पर्पस क्या है इसको बनाने का। अदरवाइज पार्क है बैठने के लिए, पेड़ों के सारे नाम भी लिखे हुए हैं साइंटिफिक नेम्स, ये देखो लिखा हुआ है इस पर भी, छोटे छोटे बर्ड हाउस भी बना रखे हैं पेड़ों पे। तो एक नेचर पार्क है, उधर भी है बर्ड हाउस। तो यहाँ कुछ है, ये लॉक्ड है इस प्रॉपर्टी, और ये सारा क्रैक नैनो नेचर पार्क मशोबरा। तो मेन एरिया आ गया जी, सामने देख सकते हैं रिलैक्स सेट नियरेस्ट शेल्टर। तो बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं खूबसूरत, क्रैक नैनो, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, क्रैक नैनो इज अ सिटी इन इटली, इसके नाम पे बनाया क्रैक नैनो नेचर पार्क, अंग्रेजों का बसाया शिमला, अंग्रेजों के नाम क्रैक नैनो नेचर पार्क। ये फाइनल पॉइंट, चीता यहाँ भी आ गया, वहाँ दिखा दी। तो नीचे पानी भी है इसमें, फुहारे भी चलते होंगे इस पर, लाइट्स भी हैं, कभी चलाते होंगे जो। बीच में बहुत बुद्ध की स्टैचू, महात्मा बुद्ध, पीस सेंटर में, बिल्कुल क्रैक नैनो नेचर पार्क के सेंटर में, क्या बात है। मेडिटेशन करते हुए महात्मा बुद्ध, वो कितना खूबसूरत बना रखा है बैठने को यार, अंदर पूरा टेबल क्लॉथ लगा के, सोफे वाला वो लगा के कपड़ा, यहाँ भी बैठते हैं कुछ टाइम। देखो ये कितना खूबसूरत है बैठने के लिए, कुछ बना सकते हो आप यहाँ पे, खाने पीने का लुफ्त उठा सकते हो इस जगह का। देखो कितना अच्छा वुडन का काम भी हो रखा है, और वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू बी इन अमिस्ट ऑफ नेचर, बिल्कुल नेचर के बीचों बीच। तो ये तो बिल्कुल टॉप था, ये देखो ये थोड़ा हिमाचली स्टाइल बनाया है, एक लेडी खड़ी है पीछे सेब का वो लेके, बैग कह लीजिए हिमाचली ड्रेस में, पीछे सेब दिखाए हैं। तो बड़ा खूबसूरत एक कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। और इधर अगर देखते हैं तो क्या है डॉगी के अलावा, ये कुछ नीचे घर है, यहाँ पता नहीं कुछ शेड सा है, यहाँ पे जाना मना है, पीछे बाहर लिखा हुआ था, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी का है इसमें ज़्यादा। और इधर देखते क्या पूरा एंड में, क्योंकि एंड पॉइंट है क्रैक नैनो नेचर पार्क का, तो पूरा एंड में दिखाना चाहता हूँ आपको। ये भी कुछ डिजर्टेड सा है, कुछ पुराना, देखो इसकी क्या हालत हो रखी है, कैसे इसमें से घास फूस उगाया है ना, बड़ा पुराना है ये देखो, और नीचे जंगल ही जंगल है, ये देखो टूटा हुआ है पूरा, लॉक लुक डेक है, दरवाजे दरूजे सब खत्म है इसके। ये बिल्कुल एंड, फेंसिंग जहाँ हो रखी है,
बिल्कुल डेड एंड, इसके नीचे जंगल, ये गोल सा एरिया है। इसके आसपास यहाँ पे आके आप बैठ सकते हैं बेसिकली नेचर में। आजकल लोग नेचर बहुत तलाशते हैं, तो यहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ भी आ रही है, बड़ी शांति है, सिर्फ चिड़िया की आवाज़ ही आ रही है और ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। तो यहाँ पे आके आप व्यू इन्जॉय कीजिए बेसिकली इस जगह का। यहाँ देखता हूँ क्या है, यहाँ को नीचे बस ऐसे ही है, गार्डन सा बना रखा है, छोटा सा पार्क सा गोल सा, और इसके नीचे सारा खाली एरिया, खूबसूरत। ठीक है जी, ये देखो टाइगर और सामने लेपर्ड, खूंखार दोनों एक दूसरे के आमने सामने, रेडी फॉर द फाइट, जीतेगा तो मेरे को लगता है यही। ये बहुत फेरोशियस होता है और हमारा नेशनल एनिमल भी है। तो इसके अंदर दिखाऊं तो मैं कितना अच्छा बैठने के लिए, ये देखो बिल्कुल ग्रीनरी के बीच में बैठने के लिए। ये ज्यादा मेरे को लगता है रोमांटिक स्पॉट है, कपल्स का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन ज्यादा है यहाँ, या मैरिड पीपल कपल्स थोड़ा, क्योंकि ये इनक्लोजर से में है और बाकी सही है जो भी है, गुड स्पॉट टू बी वे। झूलों के साथ साथ पेड़ पौधे तो है ही हैं, ग्रीनरी भरा एरिया है, नेचर पार्क है तो हरियाली तो होगी ही होगी। और इधर दिखाना चाहता हूँ आपको कुछ कल्चर से रिलेटेड कुछ हिमाचली फोक, जैसे कि एक हिमाचली लेडी बैठी है या लड़की कह लीजिए, इनके हाथ में एक भेड़ बकरी कह लो, शीप कह लो। तो यहाँ का कल्चर है, यहाँ पे भेड़े बकरियाँ बहुत होती हैं गाँव में, तो वही दिखाया गया है यहाँ पे हिमाचली ट्रेडिशनल अटायर में। और ये डांस वगैरह चल रहा है, फोक डांस हिमाचली मेल का, लड़कों का लगा लीजिए, पुरुषों का। ये लड़का ढोल बजा रहा है डफली, और ढोल वाला ये शहनाई बांसुरी सब, बड़ा अच्छा है ये भी। यहाँ पे देखो एक अलग टाइप का बैठने को, वुडन डेवदार्स के ट्रीज के बीचों बीच वुडन बैठने को कुर्सियाँ, बहुत स्पॉट है बैठने के लिए, खाने पीने के लिए। बट ये यहाँ पे बॉटल छोड़ के जानी और यहाँ पे ऐसे रैपर रखना डेरी मिल्क चॉकलेट का इज नॉट गुड, इज नॉट एडवाइजेबल, मत किया कीजिए। चलो इसको तो हम फेंक देंगे, अब डस्टबिन होगा रास्ते में, बॉटल उठा ले मेरे दोस्त। और इधर बाकी सारा ऐसा ही है, देखो खाने आए हो, ये लिखा भी देखो पिकनिक एरिया, ये पिकनिक एरिया ट्यूलिप गार्डन नेचर ट्रेल, इधर जाओगे तो नेचर ट्रेल है, नीचे गजीबो भी है, मतलब कुछ बना है यहाँ पे, गजीबो लिखा है नेचर ट्रेल लिखा है, लेकिन हम लोग जा तो नहीं रहे हैं, शाम सी हो रही है और नेचर ट्रेल होगा, आप आ सकते हैं, आप नेचर ट्रेल में वॉक करना चाहते हैं तो हमारे लिए तो यही नेचर है, इसी में हम घूम लिए, यही हमारे लिए अच्छा है। दिस पार्क इज ओनली फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 5 to 12 ईयर्स, द एंट्री इज प्रोहिबिटेड फॉर अडल्ट। तो बच्चों के लिए झूले भी हैं, बच्चों के साथ आते हो आप, बच्चे यहाँ पे झूला झूल सकते हैं, उनके लिए एक बहुत सही चीज़ है रिक्रिएशनल, जैसे कि आप देख सकते हैं टायर्स के बीच में जंप, एंड दिस इज फॉर द हैंगिंग पर्पस, हैंग करके बच्चों के लिए है। सामने वॉशरूम है जहाँ आप वॉशरूम जा सकते हैं। ये देखो जी, जाते जाते आपको दिखा देते एक और चीज़, दिस प्लेस इज बॉनफायर, जो बॉनफायर वाली रह गई थी ये है जी, बॉनफायर के लिए प्रॉपर बन रखा है, तो बहुत बड़ा है इसमें बॉनफायर लगा के, तो क्या ही मतलब, ये बहुत अच्छा है, बहुत लकड़ी लगानी पड़ेंगी, बड़ा अच्छा बन रखा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा है, वो देखो बैठा है एक लड़का, और बस और क्या। तो ये स्टार्टिंग में जो आपको बोला था कि हमने इधर जाना है, हमें किसी ने बताया हम जा रहे थे, लेकिन इधर कुछ खास नहीं है, पेड़ पौधे ही हैं, और ये जो वन सरोवर लिखा कहते हैं पाइप लगा के पानी छोड़ दिया है बस, दैट्स इट। तो इधर नहीं जा रहे हम, इधर बहुत सही व्यू आ रहा है, बाकी हम चलते हैं वापस, एंड वेलकम टू क्रेगनानो, इंडल्ज इन नेचर, बॉनफायर कैंपिंग है वहाँ जहाँ पे गजीबो था, यहाँ पे कैंपिंग कीजिए, बॉनफायर कीजिए और नेचर में रहिए रात को।
तो ये था क्रेग नैनो नेचर पार्क। अगर आपको पसंद आया व्लॉग, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ठीक है जी। अ वेरी गुड प्लेस फॉर पीस, ऑफ बीट प्लेस, बाहर आके नेचर पार्क में बैठने के लिए पिकनिक स्पॉट, बॉनफायर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है जी। वेरी गुड क्रेग नैनो इन मशोबरा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मशोबरा।